हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हैं पनीर के फूल। इन्हें पनीर के डोडे भी कहते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इनसे डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इनका यूज करोगे तो आपकी डायबिटीज़ में 100% सुधार होगा और वो रेगुलर जो नॉर्मल लेवल आता है उस तक आ जाएगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये एक पानी का गिलास लेना है आपको रात के समय, और इसमें से जैसे ये पनीर के डोडे हैं, तो इसमें से 4-5 पनीर के डोडे आपको लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। ये इस टाइप के पनीर के डोडे होते हैं, और इसको पानी में डाल देना है। तो अभी जब ये पानी को आपको ये मान के चले 8-9-10 घंटे रखना है, थोड़ा सा छलनी टाइप का इस पर रख दे ताकि कोई कीड़े मकोड़े इसमें पड़े नहीं। अब जब सुबह आप उठो तो इस पानी के गिलास में से जो ये डोडे हैं इनको बाहर निकाल लो, और निकालने के बाद में इस पानी को पी लो। आप 5-6 दिन इस प्रयोग करके देखना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगा। इन्हें पनीर के डोडे भी बोलते हैं, पनीर के फूल भी बोलते हैं। और अगर आपको अगर ये ख़रीदने हैं तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इन्हें ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन पंसारी की दुकान से लेने से बचें, क्योंकि उनके पास पुराने पड़े रहते हैं जो वो आपको दे देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपको शुगर लेवल में फ़ायदा हुआ तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।